गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी पीरियड. टुडेज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शब्दों में आ की मात्रा लगाइए. देखिए, सबका रीडिंग आई थिंक बहुत सारा हो गया है. जो अपना पोर्शन है उसके ऊपर रीडिंग सब लोगों का हो चुका है. अब घर में भी कर रहे होंगे आप लोग रीडिंग. दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द, उसके बाद दो अक्षर का जोड़, फिर तीन अक्षर वाले शब्द, ये सारा रीडिंग आप लोग कर रहे होंगे. ये मैं सोच के चल रही हूँ, ठीक है. अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. कल हम लोगों ने क्या किया था, चित्र को देखकर नाम लिखिए और जोड़कर शब्द बनाइए. सबने अपनी अपनी कॉपी में किया ही होगा ये. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज शब्दों में आ की मात्रा लगाइए. अब यहाँ लिखा है छात, शब्द पूरा हो रहा है क्या? नहीं. तो आपको कहाँ लगानी है आ की मात्रा? छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छाता. कहाँ लगानी है? ता में. तो क्या बन गया? छाता. ख ना, वर्ड कंप्लीट लग रहा है क्या? नहीं. तो आपको क्या करना है, कहाँ लगानी है आ की मात्रा? ख में आ की मात्रा खा, न में आ की मात्रा ना, खाना. फिर र धा, वर्ड कंप्लीट लग रहा है क्या? नहीं. क्या करना पड़ेगा, र में आ की मात्रा रा. आ की मात्रा कहाँ लगानी है वो आपको समझना पड़ेगा. इसके लिए आपको वर्ड पहले रीड करना पड़ेगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा. र में आ की मात्रा रा, ध में आ की मात्रा धा, रा धा. कर, कर कोई मतलब नहीं लग रहा है. फिर क्या करेंगे, क में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा कार, क में आ की मात्रा का, क में आ की मात्रा का र कार. छ में आ की मात्रा छा, त में आ की मात्रा ता, छा ता. ख में आ की मात्रा खा, न में आ की मात्रा ना, खा ना. र में आ की मात्रा रा, ध में आ की मात्रा धा, रा धा. क में आ की मात्रा का, र कार, कार. नेक्स्ट वर्ड है र म. क्या हो सकता है, कहाँ आ की मात्रा लगाऊंगी, माँ में कि र में? र में. र में आ की मात्रा राम, राम. र में आ की मात्रा रा, ज. कहाँ आ की मात्रा लगाऊंगी तो वर्ड कंप्लीट होगा, ज में. ज में आ की मात्रा जा, रा जा, रा जा. र में आ की मात्रा राम, र में आ की मात्रा रा, ज में आ की मात्रा जा, रा जा. ये क्या हुआ आपका, आ की मात्रा लगाइए वाला क्वेश्चन. इसी तरह का कोई भी वर्ड आएगा जहाँ पे आपको आ की मात्रा कहाँ लगाना है आपको समझना होगा और फिर आ की मात्रा लगानी होगी. अगर आपको वर्ड पहले से पता होगा, आपने रीड कर किया होगा, तो आप प्रॉपर जगह पे आ की मात्रा लगाओगे. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चित्र देखकर शब्द लिखिए. चित्र देखकर शब्द लिखिए. किस चीज़ का चित्र है ये? व्हाट इज दिस? माला. कैसे लिखेंगे माला? म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला, माला. दूसरा है ये, व्हाट इज दिस? टमाटर. क्या है ये? टमाटर. कैसे लिखेंगे? ट, म में आ की मात्रा मा, ट, र, टमाटर. तीसरा शब्द चित्र किस चीज़ का है? तबला. किस चीज़ का है? तबला. कैसे लिखेंगे? त ब, ल में आ की मात्रा ला, तबला. ल में आ की मात्रा ला, तबला. दिख रहा है सबको? फिर लास्ट वाला चित्र किस चीज़ का है? गाजर. क्या है? गाजर. ग में आ की मात्रा गा, ज, र. ग में आ की मात्रा गा, ज, र, गाजर.
क्या था पहला चित्र? माला, म में आ की मात्रा मा, ल में आ की मात्रा ला, माला। दूसरा चित्र है टमाटर, ट में आ की मात्रा, सॉरी ट म में आ की मात्रा मा, टर, टमाटर। तीसरा चित्र है तबला, त बला, तबला। और चौथा चित्र है गाजर, ग में आ की मात्रा गा, ज र, गाजर। इस तरीके का कोई भी चित्र आ सकता है जो आपकी बुक में है, बुक से बाहर का कुछ नहीं आएगा। बट बुक में जो सारे चित्र है उसमें से कोई भी चित्र आएगा और उसका नाम आपको अपने मन से लिखते आना चाहिए, बिकॉज इट्स एग्जाम, एग्जाम में मम्मा आपकी हेल्प नहीं करेगी। सो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस थिंग्स, ओके स्टूडेंट्स। सो हिंदी में आज हम बस यही करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड करो। जूम क्लास में हम लोग आज राइम्स करेंगे, जूम क्लास में क्या करेंगे हम आज राइम्स करेंगे। सो आज के क्या क्वेश्चन थे हमारे? शब्दों में आ की मात्रा लगाइए और चित्र देखकर शब्द लिखिए। सो डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय फॉर टुडे।